आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुर द्वारा के गांव लालपुर गोसाई पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 55 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 1100 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान फिर से टीकराज सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। आपको बताते चले कि टीकराज सिंह चौहान प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं। यह अपने अच्छे कार्यों के कारण कई बार गाँव के प्रधान व बीटीसी मेंबर भी चुने जा चुके हैं। ग्राम प्रधान से हटकर भी सांसद निधि से भी इस गाँव में विकास कराया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। अपने कार्यकाल में ग्राम प्रधान टीकराज सिंह ने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है ब्लॉक ठाकुर द्वारा के लालपुर गोसाई ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह की समस्याएं इस गाँव में अभी भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं और क्या कोशिशें आगे जारी रहेंगी, इस सब की जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। जैसे कि जो प्रधान जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं और काफी सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत जानकारी भी रखते हैं और काफी विकास इनके द्वारा गांव में करवाया गया है। लोगों को हर तरह से हर सुविधा देने का प्रयास इनका तत्पर रहता है, हर समय तैयार रहते हैं। इस सब की जानकारी जो यहाँ समस्याएं हैं और जो इनकी कार्यशैली यहाँ पर रही है उस सब के बारे में हम इनसे बातचीत करके आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप दो बार पहले भी रह चुके हैं और बीच में बीटीसी मेंबर भी रहे हैं, अब फिर से ग्राम प्रधान हैं, जनता ने आपको दोबारा से जो है इतना मौका दिया है, तो क्या क्या विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायत में अब तक आप करवा चुके हैं? ग्राम पंचायत में ये मुख्य कार्य तो सड़कों का ही है जी, और जल निकासी का है, आवास है, जो गरीब व्यक्ति उनको आवास मिलना चाहिए, जो गरीब कमजोर हैं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, कोई विकलांग हैं या वृद्ध हैं विधवा हैं इनके लिए, और जो है पानी उनी की व्यवस्था, नलों की हैंडपम्पों की व्यवस्था ठीक ठाक है। समाज में इन चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बिजली जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और नए नल भी हम नहीं करा सकते क्योंकि नए नल का जो अधिकार है वो माननीय विधायक जी का। तो यहाँ पर जैसे आवास जिन लोगों को मिले हैं उन्हें मिलने के बाद में क्या अभी भी कुछ परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ, कितने परिवार हैं? 20-25 परिवार हैं जिनका हमने मतलब पंजीकरण भी कराया, जो इस समय नियमानुसार पंजीकरण हुआ था, तो उनमें जो है 17 व्यक्तियों का पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन अभी शासन से धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है तो वो रुका हुआ है काम काफ़ी समय से। जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो इन सभी योजनाओं का लाभ आपकी ग्राम पंचायत में लगभग सभी लोग ले पाते हैं या कुछ रह जाते हैं? कुछ लोग वंचित हैं कुछ तकनीकी कारणों से और उनमें सुधार कराया भी जा रहा है, लेकिन कुछ जैसे लॉकडाउन होने की वजह से आना जाना बंद रहा, सिस्टम बंद रहा, तो तहसील स्तर पर जो कार्यक्रम बंद थे तो उससे जो है ज़्यादा असुविधा हुई, लेकिन फिर दोबारा से कार्य प्रगति का आने की संभावना है। 70 दिनों का पूरी तरह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन था और कोरोना महामारी भी, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा इसके आंकड़े आ रहे हैं लेकिन उस वक्त में भी काफ़ी जोर पर थी, तो उस समय में कई परिवारों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हुई। आपके ग्राम पंचायत में भी कई लोग ऐसे रहे होंगे जिनके आगे परेशानियाँ आई, उस दौरान आपकी क्या भूमिका रही अपने गाँव के लोगों की? हम लोगों ने जो शासन द्वारा फ्री राशन व्यवस्था थी उसका लाभ सब गरीबों को पहुंचवाने में पूरा सहयोग करा है जी। हमारे डीलर साहब ने भी ठीक ठाक वितरण कराया है, कोई कहीं शिकायत नहीं, और जो इस तरह के व्यक्ति थे उनको मिला है, सबको राशन मिला है, फ्री राशन जो सरकार की तरफ से दिया गया, और कुछ को जो है भारत सरकार की तरफ से 1,000 रुपये मनरेगा मजदूर धनराशि भी उनके खाते में उपलब्ध कराई गई है, तो जितनी सरकार की, भारत सरकार की या राज्य सरकार की स्कीम थी उन सभी स्कीमों का लाभ हमारे ग्रामवासियों को मिला। कुछ को तकनीकी कारणों से या किन्हीं कारणों से खाता गलत होने से असुविधा आई। प्रधान जी, जैसे कि आपसे अभी हमने जानकारी ली, कुछ समस्याएं यहाँ पर अभी भी बाकी हैं ग्राम पंचायत में आपकी, जिन्हें कहें कि अगर गांव को पूरी तरह से विकसित होते हुए देखा जाए तो कुछ समस्याएं अभी भी आ रही हैं, ऐसी क्या समस्याएं आप गांव में अपने नजर? ऐसी समस्या यह है कि कुछ जो गाँव से बाहर के रास्ते हैं जो ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं हो सकते जी, उनके लिए हम लगातार पिछले योजना में भी, बीच में भी और इस वर्ष भी बड़े जो हमारे नेता हैं माननीय विधायक जी, सांसद जी या जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके संपर्क में लगे हुए हैं और हमें कुछ कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी तक हमारा कार्य
शुरू नहीं हुआ। जिला पंचायत से कुछ काम हुआ है, स्वीकृत हुए हैं तीन काम, तो वो उनका टेंडर भी हो गया है जैसा हमें बताया हमारे जिला पंचायत सदस्य जी ने। उम्मीद है कि अभी कुछ समय बाकी है और आगे समय रहते ही पूरे हो जाएंगे। वो कहने बरसात के बाद होंगे, अब जब शुरू हो जाए तभी थोड़ी सी तसल्ली होगी। उससे पहले तो हमारा कई बार हमें आश्वासन मिला कि आपको ये सड़क मंजूर हो गई है, लेकिन वो कार्य सरकारी बिल्डिंग में जैसे बारात घर है, पंचायत घर है या खेल का मैदान, ये सब गाँव में है हमारे यहाँ। बारात घर भी नहीं है और खेल का मैदान भी, मतलब सरकार के द्वारा बनवाया गया है, जो हमारी खलिहान की जमीन है वो मतलब उस स्तर पर हमारे बच्चे वहाँ खेल लेते हैं, कोई असुविधा नहीं हुआ नहीं है। शमशान घाट हमारे ठीक ठाक बन गया है, जब मेरी द्वारा ही उसमें प्रयास किए गए, हमने एक श्रद्धा गृह भी बनवा दिया है, रास्ता भी करवा दिया, पहले रास्ता नहीं था वहाँ पर जाने के लिए। कब्रिस्तान ऑन रोड है हमारा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी की पता नहीं है, हाँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पानी वाली की व्यवस्था भी दोनों जगह करवा दी। इन समस्याओं को लेकर के या अपने गांव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए, जैसे कि हर जिले और शहर में रहने वाला सोचता है कि हमारा स्मार्ट सिटी में हम रहें, स्मार्ट सिटी में, तो एक स्मार्ट गांव बनाने के लिए जो पूरी तरह से डेवलप हो, उसके लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हम मांग ये रखेंगे कि जैसे जल शुद्ध मिले जनता को, सबसे जो है अगर शुद्ध जल पेयजल मिलेगा तो हमें हमारे समाज में बीमारी कम होगी। तो उसके लिए या तो नलों की व्यवस्था दोबारा से ग्राम पंचायत के द्वारा, किसी भी द्वारा हो, किसी निधि के द्वारा हो, लेकिन ये जो नल है इस समय हमारे 100-150 फीट वाले, इनका स्टेटस जो है वाटर लेवल खराब हो गया पानी, तो इनको गहरा पानी पहुँचाने तक मिले, शुद्ध पानी मिले, इतनी गहराई तक इस बोरिंग को लिया जाए, या फिर टंकी सिस्टम चल रहा है हमारे वाटर सप्लाई के हिसाब से, भारत सरकार द्वारा एक जल के संबंधी मंत्रालय बना गया है, तो हो सकता है कि भाई हमारा गांव भी उसमें चुना जाए और आ जाए, तो नियमानुसार वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, पैसे धनराशि की भी दिक्कत होती है। आप जैसे कि अनलॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी देखने में आ रहा है कि कई लोग लापरवाहियां बरतते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि कोरोना महामारी इतनी तेजी से बढ़ रही है और दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अनलॉक को लेकर के लोग काफी असुविधाएं बरत रहे हैं, जगह जगह पर भीड़ है या कुछ भी मास्क का यूज नहीं कर रहे इस तरह से कहीं भी, तो उसके लिए आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने समझाया भी है सबको, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी हमारे गांव में कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि कोई ना आए। लोग समझदार हैं, मानते भी हैं, थोड़े सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं या अपने काम में लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है कि कोई हमारे समझ में आए। प्रधान जी, जैसे कि आप प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो उस तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे कि ग्राम प्रधानों को जैसे कई तरह की समस्याएं आती हैं विकास कार्यों को लेकर के या किसी और तरह की, जैसे भी आप समझते हैं, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा चुनावी वर्ष है जी, तो अपने ग्राम प्रधान साथियों से ये मेरा यही निवेदन है कि चाहे कहीं का भी प्रेशर हो, लेकिन जितनी धनराशि उपलब्ध हो उतना ही कार्य करें, वरना अगर चुनाव की घोषणा हो गई और हमने काम करा दिया तो हमारी धनराशि डूब जाएगी। हम कुछ ऐसे हमारे सामान्य किसान वो भी हैं प्रधान जी, जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो उनकी आर्थिक स्थिति मतलब बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकारी तंत्र का हमें इस मामले में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं, ग्राम पंचायत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा, केवल ऊपर से थोपा जा रहा है कि यही काम करना है तो भुगतान होगा, नहीं तो नहीं होगा, और नया काम बता देते हैं, पुराना भुगतान होता नहीं है। काया पिछली बार कायाकल्प के अधीन जो विद्यालयों में काम कराया गया था उसका भी भुगतान हमारे ग्राम प्रधानों से का नहीं हुआ है। करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे अधिकारी का जो है इसमें थोड़ी तत्परता लाएं और हमारे किसी भी ग्राम प्रधान का जो कार्य कराया गया है उसका भुगतान नहीं रखना चाहिए, सबका उनका भुगतान कराया जाए ताकि चुनाव का वर्ष है, किसी को कोई आर्थिक हानि ना हो। जी जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते 4-4.5 सालों में यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, लेकिन अभी भी 20 से 25 परिवार लगभग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, कुछ रास्ते यहाँ आज भी कच्चे हैं जिनके लिए जो जिला पंचायत सदस्य या सांसद या विधायक निधि से इन्होंने काफी मदद लेने की कोशिश की है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे समय रहते वो सुविधा यहाँ मिल जाएगी। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण करवाया जा चुका है। अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ पर बारात घर, पंचायत घर निर्मित नहीं है जिनका होना जरूरी है,
एक प्रमुख जो मांग यहां पर ग्राम प्रधान द्वारा रखी गई है वो पेयजल को लेकर है, जिसके ओवरहैंग टैंक के लिए यहां पर मांग रखते हैं। आगे प्रधान जी द्वारा बताया ही गया है कि किस तरह से वो ग्राम प्रधान से निवेदन रख रहे हैं और सरकार से और शासन प्रशासन से निवेदन उनका यहाँ पर है कि जो भी काम यहाँ कराया जा रहा है उसका भुगतान समय पर किया जाए, ताकि आर्थिक स्थिति की तंगी होने से हर व्यक्ति बच सके। असफल के साथ नाजिम चुने।